भी आ गया, शेरावाली का बुलावा हम भक्तों को आ गया। जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन गुफा, अर्धकुंवारी गुफा और कोरोना टेस्ट के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी गुफा खुली नहीं है और अगर गुफा खुली भी थी तो उसे 20 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों आप वीडियो को पूरी तो देख लेते हैं पर अपने भाई के चैनल को बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। भाइयों वीडियो को देखकर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दिया करो, इससे मुझे आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन गुफा और अर्धकुंवारी गुफा के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना महामारी की वजह से माता रानी की यात्रा को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारे देश में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसलिए आप लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड ने कुछ टाइम के लिए माता रानी की यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पूरे देश में कोरोना का असर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इंडियन गवर्नमेंट को संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा था। पर जैसे जैसे असर कम होता गया वैसे वैसे सरकार ने लॉकडाउन में भी ढील दे दी। तभी श्राइन बोर्ड ने यह फैसला लिया कि माता रानी की यात्रा को दोबारा से चालू कर दिया जाए। इसलिए सबसे पहले श्राइन बोर्ड ने यह रूल बनाया कि अगर कोई भी भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आ रहा है तो उसके पास ऑनलाइन यात्रा पर्ची और कोविड की 48 घंटे की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। पर उस टाइम बहुत कम लोग ही माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे, क्योंकि ना तो ट्रेन चल रही थी और ना ही पूरी तरह से बसेस की सेवा चल रही थी। पर जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन आई, श्राइन बोर्ड ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का टाइम 48 घंटे से बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया। ये बात तो रही स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। दोस्तों अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले श्राइन बोर्ड की मीटिंग हुई और श्राइन बोर्ड ने उस मीटिंग में यह फैसला लिया कि माता रानी की अर्धकुंवारी गुफा और प्राचीन गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि माता रानी की गुफा खुलने की भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो गुफा जनवरी से फरवरी तक खुलती है, उसके बाद प्राचीन गुफा से श्रद्धालु तभी दर्शन कर पाते हैं जब श्रद्धालुओं की संख्या में कमी हो। दोस्तों इस टाइम भी ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि श्राइन बोर्ड के CEO मिस्टर रमेश कुमार जांगीड ने अपने एक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में ट्वीट करके बताया है कि माता रानी की यात्रा सभी भक्तों के लिए खोल दी गई है। दोस्तों माता रानी की गुफा का खुलने का कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है। जब भी श्राइन बोर्ड को लगता है कि इस टाइम माता रानी के भक्तों की संख्या में कमी है तभी श्राइन बोर्ड माता रानी की गुफा को भक्तों के लिए खोल देता है। अब चाहे गुफा रात 12 बजे खुले या 4 बजे खुले, ये पूरा प्रोसेस भक्तों की संख्या पर डिपेंड करता है। दोस्तों अब यदि माता रानी चाहती हैं तो ही आपको माता रानी की गुफा से माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों जैसा कि ज़्यादातर देखा गया है कि माता रानी की गुफा रात में खुलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी यात्रा रात में ही करें, जिससे आपको माता रानी की प्राचीन गुफा में से होते हुए माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि माता रानी की प्राचीन गुफा सभी के लिए खुली हुई है अभी तक। यदि आगे कोई भी फेरबदल होता है तो आपका भाई आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अब बात करते हैं कोरोना टेस्ट के बारे में। तो अभी भी माता रानी की यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आप माता रानी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको 96 घंटे की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ही लेकर जाना होगा। यदि आप कटरा में जाकर टेस्ट कराना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने होम टाउन से ही कोरोना का टेस्ट कराकर जाएं। एक चीज़ और दोस्तों, यदि आप अपने घर से कोरोना का टेस्ट कराकर जा रहे हैं तो आपका कटरा में दोबारा से कोरोना टेस्ट नहीं करा जाएगा, इसकी जानकारी भी खुद श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने दी थी। यदि वहाँ पर कोई आपसे दोबारा से टेस्ट कराने के लिए कहता है तो आप डायरेक्ट जाकर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मौसम की हालत के बारे में। तो इस टाइम कटरा और भवन का मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। आगे के एक हफ्ते तक कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि बारिश होगी, पर रात में अभी भी भवन और भैरव बाबा पर काफ़ी ठंड हो जाती है, इसलिए यदि आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ठंड के कपड़े अभी भी अपने साथ लेकर जाएं।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाकर जरूर जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी। सुरेश्वरी पूजये परया।